डिलीवरी बॉय, उसे मटन की एक डिश पहुंचाने का ऑर्डर मिला। पते पर पहुंचते ही वो शख्स देखता है कि ये जगह तो मंदिर परिसर के दायरे में आती है। डिलीवरी बॉय ने धर्म के अपमान के डर से अंदर जाकर खाना पहुंचाने से इनकार कर दिया। अब दावा है कि कंपनी ने डिलीवरी बॉय को निकाल दिया। मंदिर प्रशासन उसका सम्मान करता है। सफेद कुर्ताधारी, गले में राम नामी, माथे पर चंदन, हाथ में गदा और नारा। नाम सचिन पांचाल, काम कुछ दिन पहले तक एक बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का, लेकिन अब इनका सम्मान हो रहा। हाथ में गदा देकर इन्हें धर्म का असली रक्षक बताया जाता है। इसीलिए कहानी को पहले जानिए। कहानी दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास मरघट बाबा हनुमान मंदिर से जुड़ी, जहां मंदिर से 100-150 मीटर की दूर राम कचौड़ी नाम की दुकान। दावा है कि इस दुकान से खाने का एक ऑर्डर किया गया। रात में यहां खाना पहुंचाने के लिए सचिन पांचाली आए, जिनका अब सम्मान हो रहा है। सुनिए उस रात हुआ क्या। जैसे मैंने ऑर्डर पिकअप करा, वहां पे कस्टमर का एड्रेस खुला। कस्टमर का एड्रेस था अभिषेक शर्मा नाम, और यमुना बाजार ISBT अपोजिट शमशान घाट। जैसे मैं लोकेशन पे आया तो मैंने देखा लोकेशन मेरी यहीं खत्म हो गई मंदिर के पास, और उस पर लिखा था राम कचौरी वाला, राम कचौरी। तो एड्रेस पर राम कचौरी मैंने देखा तो थी दुकान मंदिर के अंदर। तो मैंने बोला, फ़ोन किया, मैं भैया ऑर्डर लेके आया हूँ आपका। वो कह रहे ठीक है भैया, मैं सामने खड़ा हूँ, आप आ जाइए। उन्होंने हाथ लाया, मैं भैया अंदर तो नहीं आऊँगा, मैं आप लीजिए मेरे से बाहर आके ऑर्डर। उनसे मेरी कोई बहसबाजी नहीं थी पहले। वो कह रहे भैया मैं बाहर नहीं आऊँगा, आपको अंदर ही आना पड़ेगा। मैं भैया इसमें नॉन वेज है, मटन है, मटन कोरमा, और आपने नान को ऑर्डर किया। भैया मैं मंदिर परिसर के अंदर नहीं आऊँगा, मंदिर की सीमा के अंदर दुकान है। तो उन्होंने बोला, भाई मंदिर सीमा की दुकान थोड़ी ना, मंदिर तो बंद हो गया, मंदिर तो आ गया है, मेरी दुकान तो 150 मीटर आ गया। मैं भैया आपकी दुकान 150 मीटर आ गया, चाहे कहीं पे भी हो, मेरे को तो 2 कदम पे मंदिर लग रहा है। मंदिर परिसर के पास ही मटन कोरमा डिलीवर करना सचिन पांचाल ने धर्म के विरुद्ध मानकर दावा, कंपनी तक की नहीं सुनी। कंपनी ने भी मेरे को बोला कि सर ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने बोला था कि आप मेरी समरी चेक करो। तो कंपनी ने चेक करी, क्योंकि समरी तो कंपनी बोली है इनके हमारे रेगुलर कस्टमर है, इन्होंने ऑर्डर डोर टू डोर डिलीवर करो। मैं स्विगी के प्रोटोकॉल के अंदर लिखा है कि मंदिर के अंदर नॉनवेज सप्लाई करनी है, मैं लिखा है तो बताओ, मैं आपकी कॉल भी रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह मैं नेट पे डालता हूँ, फेसबुक वगैरह ट्विटर पे, कि कंपनी हमें नॉनवेज मंदिर में सप्लाई करने के लिए बोलती है। तो उन्होंने फोन काट दिया। दावा है कि इसके बाद कंपनी ने सचिन को नौकरी से हटा दिया। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों ने इसीलिए सचिन का सम्मान करके भरोसा दिया कि नौकरी अब वो देंगे। इस बेचारे ने ये सोचते हुए कि भाई मैं हिंदू हूँ, ऐसा ना हो कि मैंने अगर विसल ब्लो नहीं करी तो और लोगों का नुकसान हो रहा है, जो करा है बहुत सम्मानजनक बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है बच्चे ने जो करा। और हमने पूर्ण आश्वासन दे दिया है किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सहायता और कुछ वो करी जाएगी, और मंदिर की तरफ से इस बच्चे के लिए मतलब नौकरी की व्यवस्था करी जाएगी। कहीं नौकरी ना हो तो हनुमान जी की सेवा में ही रहेगा, हमने इसको बोल दिया बच्चे को। हालांकि कंपनी दावा करती है कि सचिन अभी उनके सिस्टम का हिस्सा है, उसकी आईडी बंद नहीं की गई। कंपनी कहती है, हम ऐसे मामलों में कस्टमर केयर और डिलीवरी बॉय दोनों को और संवेदनशील बनाने की कोशिश करते हैं। इस बीच कई बार इस दुकान के बाहर प्रदर्शन हुआ, अब सुरक्षा कर्मी तैनात करने की नौबत आई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आप सबको तो पता ही होगा कि हमारी दिल्ली के अंदर क्या हुआ था। ये जो आप पीछे दुकान देख रहे हो, ये वही वाली दुकान है राम कचौड़ी, जिधर जो एक स्विगी बॉय था उसने बताया था कि वो यहाँ पे नॉनवेज अंदर मंगा रहे थे खाने के। और वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर भी था, आप उसे जाकर देख सकते हो। आप वो वाली वीडियो देखोगे तभी आपको वाली वीडियो समझ आएगी। तो आज हम ऐसे ही चेक करने आए कि हमारी दिल्ली सरकार ने कुछ एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। हमारी दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है कि दुकान, जैसे कि आप सब देख सकते हो सारी दुकानें खुली हुई है, बस इन अकेले की दुकान बंद है। तो यानी हमारी जो दिल्ली सरकार है वो बहुत ज़्यादा पंचुअल है, अपने काम के अंदर बिल्कुल सही काम कर रही है, कि बिल्कुल भी किसी ऐसे धर्म के ऊपर ऐसा कुछ भी एक्शन की धर्म बांट रखे या कुछ कर रखा है, सब एक बराबर बांट रखा है। बिल्कुल जैसे कि आप सब देख सकते हो दुकानें ऑलमोस्ट खुली है, सारी खुली है, बस इसलिए बंद है क्योंकि
इन्होंने ऐसे काम किया। मेरे पापा भी कुछ बोलना चाहेंगे आप उनसे, तुम लोगों ने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी काम करा है बहुत गलत करा है। सनातन धर्म के लोगों के ऊपर एक तरह से धब्बा है ये सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे, क्योंकि देखो उनके कारण कितने हैं। एक तो शर्मा काश हिंदू, एक ही बजरंगबली महाराज के चरणों के अंदर बैठ करके ये ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, है उसके ऊपर इन्होंने जो ये कोई दिन नहीं बख्शा, 365 दिन खा रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है 365 दिन के इन्होंने मंगलवार के दिन खाया है। ऐसे नालत ऐसे हिंदू के ऊपर जो ऐसे धर्म कुकर्म कर रहा है, जो ऐसे अपने पूरे खानदान का नाम मट्टी में मिला दिया, पूरे समाज का नाम मट्टी में मिला दिया इसने अपने इस लड़के ने। और उसके पापा फिर भी बोलते हैं कि नहीं जी उसको कोई बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। क्योंकि अगर किसी के कोई चोट लगती है, मेरे भी 4 एक्सीडेंट हो गए लेकिन मैंने आज तक नॉन वेज नहीं खाया और मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरे भैया के एक्सीडेंट हुए, पूरी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया 3-4, उन्होंने कोई नॉन वेज नहीं खाया, बिल्कुल स्वस्थ हैं। 15-20 साल पहले से लगी हुई है। एक मेरे भाई हैं छोटे, हमारे घर के अंदर अगर शनिवार को अगर सब्जी के अंदर लहसुन और प्याज मिली भी होती है तो वो भूखा सोना मंजूर करेंगे लेकिन खाएंगे नहीं उस खाने को। ऐसा होता है सनातन धर्म, ऐसा होता है हिंदू धर्म। लेकिन वो बंदा मंगलवार को भी नॉन वेज खा रहा है, प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु के चरणों में ये कर्म कर रहा है। वैसे बंदे को सख्त से सख्त उसके साथ कार्यवाही होनी चाहिए, सख्त से सख्त उसके साथ जो भी सनातन धर्म के अनुसार होना चाहिए कार्य वो इसके साथ सख्त से सख्त होना चाहिए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वो जो लड़का जो अभिषेक शर्मा है वो सामने उसको लाया जाए, गिरफ्तार करके लाया जाए और उसको उससे फिर पूछा जाए कि तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो तू मंगलवार को भी नॉन वेज खा रहा है, बजरंगबली महाराज के चरणों में रह रहा है और बताओ नॉन वेज खा रहा है। इतना बड़ा उसने अपराध कर दिया, ये घोर अपराध है। और उसके पापा को उसको कोई वही नहीं है गिल्टी, मेरे बेटे ने खाया, वो तो उल्टा कह रहे हैं यहाँ नहीं मंगाया भाई, यहाँ नहीं मंगाया, कहीं दिन दुनिया के किसी कोने में मंगाया, तू जात का शर्मा हिंदू और मंगलवार को दोनों निवेश खा रहा है। कितनी गलत बात है ये, हिंदू धर्म पे बहुत बड़ा अभिशाप है। ऐसे लोग जो मंगलवार को भी नॉनवेज त्यागते नहीं है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए हम लोगों को और सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि एक को देख करके दूसरे भी डरे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि आपने वो डिलीवरी अंदर देने से मना कर दिया, सिर्फ धर्म का कारण था या और भी कोई कारण था? नहीं मैम, बस धर्म का ही कारण था, क्योंकि जो चीज गलत है तो गलत है। मंदिर की सीमा के अंदर या मंदिर के प्रांगण के अंदर नॉनवेज नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। जो उसने गलत किया, जो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं नहीं देने, उसको मैंने साफ मना कर दिया। अगर वो मुझसे बाहर भी लेते, अगर वो बाहर लेके वो अंदर आते मैं तब भी वीडियो वायरल करता, क्योंकि चिकन तो फिर भी मंदिर में आना ही था। अगर वो मुझसे बाहर लेके अपनी गाड़ी में रखते या पार्किंग में रखते तो मुझे कोई इशू नहीं था। देखो सबकी अपनी पर्सनल जिंदगी, चाहे कोई कुछ भी खाया, हम किसी को नहीं रो सकते, पर हम उसको वहाँ तो रो सकते हैं ना जो वहाँ पे हमारी श्रद्धा है, मंदिर है, मंदिर में आते हैं, मंदिर में सबकी श्रद्धा होती है सब सनातनों की, तो वहाँ तो हम अलाउ करेंगे नहीं। नॉनवेज अलाउ, हाँ नॉनवेज अलाउ नहीं करेंगे चाहे इसमें कोई भी हो। वही बात मेरे मन में, आपकी नौकरी इस वक्त स्विगी खा चुका है, नौकरी से आपको बर्खास्त कर? हाँ बर्खास्त हो ही गई है, ताकि मैम स्विगी कोई ना, स्विगी पे कोई इशू नहीं है। एक लड़का अटता है ना तो 20 या 16 लड़के लाइन में लगे रहते हैं काम करने के लिए, स्विगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विगी के पास बहुत ऑप्शन है, स्विगी के पास थर्ड पार्टी भी है जिन्होंने अपने ऑर्डर देती है, स्विगी को मतलब नहीं है कोई किसी चीज़ से। बोलते काम करना था और नहीं करना तो मत आओ। कोई आपने जब रिफ्यूज किया तो आपको डर नहीं लगा ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यहाँ पर? मैम डर मुझे बहुत लगा जबकि वीडियो है मैम, मैं उस जब से लेके घर से बाहर नहीं निकला, मैं अपने घर पे रहा हूँ। स्कूल भी मेरा लड़के को मेरा यार दोस्त छोड़ के आया था कि मैं भाई तो लड़के को छोड़ दिया ताकि 6 तारीख का पेपर था, तो मेरे लड़के को स्कूल भी नहीं छोड़ने के डर के मारे। वो तो मेरे एक दो भाइयों को मैंने बताया तो उन्होंने मुझे कहा भाई डरने वाली जरूरत नहीं है, तूने बहुत अच्छा काम करा है, ये ऐसा काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो उन्होंने मुझे महाराज जी से मिलवाया, तो मैं महाराज जी के पास आया तो महाराज जी ने मुझे तसल्ली दी, बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने गलत करा है। मैं तो ठीक है महाराज जी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर पुलिस तैनात है और CRPF की सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। दुकान का शटर इस वक्त बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस कर्मी जो है इस वक्त आपको खड़े दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर। फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। डिलीवरी बॉय अब धर्म रक्षक के रूप में सम्मानित हो रहा है और मंदिर के पास नॉनवेज मंगवाने वाली दुकान का शटर और धंधा दोनों गिरा हुआ है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।